वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राम स्वरूप ने सांसद निधि के आवंटन में पूरी सजगता दिखाई है। इसी के चलते राम स्वरूप शर्मा को देश भर में 24वीं रैंकिंग मिली है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इसे पता चलता है कि सांसद राम स्वरूप ने मंडी लोकसभा क्षेत्र का एक समान विकास करवाया है। साथ ही गोविंद ठाकुर ने टिकट मिलने पर राम स्वरूप शर्मा को बधाई दी। मैं श्री राम स्वरूप शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने पर हार्दिक बधाई देता हूं। और श्री रामस्वरूप शर्मा जी पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह को हरा करके लोकसभा पहुंचे थे, और इसलिए है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक बढ़त से इसको जीतेगी। और वास्तव में सभी को यह लगता है और सबने पूरे देश ने मन बनाया है कि भारत में प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी चाहिए, और उसके साथ साथ देश की सरकार बने। हिमाचल प्रदेश में हम 4/4 करेंगे, और मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों में, यहाँ की जनता में एक और बात है कि भाई हमको मुख्यमंत्री हमारे घर के बने हैं, और इसलिए इन सब बातों को लेकर के और ये सीट को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और जो अभी जानकारी मिली है कि राम स्वरूप शर्मा जी अपनी सांसद निधि के वितरण में देश में सभी सांसदों में से उनका 24वां रैंक आया है, यानी सांसद निधि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर रूप से आवंटित की है। और उनका एक मृदु स्वभाव और अच्छी बोलचाल, सभी से मिलना जुलना, और इन सब बातों के कारण से रामस्वरूप शर्मा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता उनको जिताएगी। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।